हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंकज आईएएस एकेडमी। पंकज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, और हमारे इस चैप्टर का नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि राज कैसे बने, राजा कैसे बने और प्राचीन गणराज्य होते क्या है, गणराज्य को कहते क्या है। वैसे चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में गणराज्य को क्या कहते हैं। अब जैसे हड़प्पा था, अब आपने इससे पहले टोटल 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से अभी हमने इन सब के बारे में इससे पहले नहीं पढ़ा। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमने ये चीज नहीं देखा कि राज्य किसका निर्माण कैसे होता है, राजा कैसे बनते हैं और ये गणराज्य कैसे बनते हैं। जैसे पहले क्या था, जन था, फिर क्या था, जनपद था, फिर क्या हुआ, साम्राज्य हुआ, ठीक है। इसी तरीके से चलिए इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट हमारा है चुनाव का दिन। अब ये देखिए, ये एक सोच है, ये जो है शंकरन, इनकी एक सोच है। ये क्या सोच रहे हैं कि उसने देखा उनके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे, दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम शासकों का चुनाव करने वाले हैं। अब देखिए, आज की जो वोटिंग प्रणाली है, जिस तरीके से आज अभी वोटिंग होती है, ये पहले का प्रोसेस कुछ अलग ही था इससे। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है पहले की जो शासक चुनाव होते थे और आज जिस तरीके से हम लोग अपने यहाँ किसी भी नेता का चुनाव करते हैं। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर है, चलिए आगे के पॉइंट से समझते हैं इसको हम लोग। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने इससे पहले यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन का मतलब क्या होता है, लोग। जैसे एक जन है, इसका मतलब क्या हुआ, मानव, ठीक है। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अब ये देखिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता बताइए। पहले के जो राजा थे ना, वो इसका अश्वमेध यज्ञ तब करते थे, जैसे वो इसमें हवन कुंड होता था, उसमें जो राजा होते थे वो यज्ञ करते थे बैठ के हवन कुंड के सामने, और वो एक घोड़ा छोड़ते थे। वो घोड़ा फ्री, जहां से वो छोड़ते थे उसकी तरफ से वो कहीं भी जाए, किसी भी एरिया में जाता था, जितनी दूर तक वो घोड़ा जाता था वो पूरा एरिया, ये जो यहाँ पे राजा यज्ञ कर रहा है, जिसने उस घोड़े को छोड़ा है, वो उसका हो जाता था। अब मान लीजिए जैसे इस एरिया में वो गया, यहाँ पे इसको किसी ने नहीं रोका, तो ये एरिया इस राजा को हो गया जिसने इस घोड़े को छोड़ा था। लेकिन अगर ये इस एरिया में आता और यहाँ इसको किसी ने रोक लिया, तो यहाँ पे राजा को उसको क्या करना होगा, जो ये यहाँ का जो शासक होगा या जो यहाँ से इसको रोकने की कोशिश करता है उससे ये राजा युद्ध करता है, ठीक है। और अगर इसने नहीं खोजा, अगर इसने घोड़े को नहीं रोका, तो ये एरिया भी उस राजा को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ का उपयोग किया जाता था। यज्ञ बहुत तरीके से होते थे, जैसे वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ। तो लेकिन इनमें से क्या होता था, ये जो आपका अश्वमेध यज्ञ है, इसमें क्या करते थे, जो राजा एक घोड़े को छोड़ते थे, वो चारों तरफ, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो एरिया उस राजा का होता था जब तक उसको कोई रोकता नहीं था, और अगर कोई रोके तो ये राजा जो जाके उससे युद्ध करता था, ठीक है। ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी कि जो राजा आते थे उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, वो क्या करते थे, उस राजा के लिए उपहार लाते थे जो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान
उस राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किन्हें शामिल नहीं किया जाता था? वैश्य को। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। चलिए बताइए कौन कौन से वर्ग शामिल थे कमेंट सेक्शन में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है इसमें? वर्ण। अब ये देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये वर्ण व्यवस्था शुरू से ही एक जैसी नहीं रही है, इसमें भी बदलाव आए, वर्ण व्यवस्था में भी बदलाव आए हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था शुरू से ही जन्म आधारित नहीं थी, इसमें परिवर्तन के तहत इसमें पहले वर्ण व्यवस्था क्या होती थी? कर्म के आधार पे होता था। जैसे अगर कोई बहुत शक्तिशाली है तो वो राजा बन गया, लेकिन उसका पुत्र जो कि बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है तो उसको राजा नहीं बनना होता था। वो कुछ भी बने लेकिन राजा इस बेस पे नहीं बन सकता था कि उसका पिता राजा था, ठीक है। लेकिन आज क्या है, जन्म के आधार पे चीजें होती है। जैसे अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र ही दूसरा उसके स्थान पर राजा बनेगा। अब ये जो वर्ण व्यवस्था ना, इसका जिक्र पहले कहाँ हुआ था? इसका जिक्र जो है सबसे पहले जो हुआ था वे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था? पुरुष सूक्त में। अब ये आपके पीटी में क्वेश्चन भी आया पहले और कई बार आया है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, ये पहली बार वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो जो धनवान थे वो सिर्फ पुरोहित ही होते थे, बल्कि कृषक जो थे और व्यापारी वो भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो निर्धन कौन था? पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाला, शिकारी और भोजन संग्राहक, ठीक है। पुरोहित ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण को कितने विभागों में विभाजित किया गया था? चार, और इसे ही वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, दूसरा उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरा स्थान किसका था? शासकों का, जिन्हें छत्री कहा जाता था। छत्री किसे कहते थे? शासकों को। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। थर्ड स्थान पर कौन था? विष या वैश्य। अब ये क्या करते थे? इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। छत्री और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। छत्री को और वैश्य को दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और जो ये ब्राह्मण थे ये क्या करवाते थे? ये यज्ञ करवाते थे। छत्री और वैश्य जो थे ये यज्ञ करते थे। वर्णों में अंतिम स्थान पर शूद्र का था। जो वर्ण थे उनमें जो लास्ट में थे वो कौन थे? शूद्र। इनका काम अन्य तीनों की सेवा करना था। अन्य तीन कौन? छत्री, वैश्य और ब्राह्मण। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा पुरुषों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिला को और जो शूद्र थे इन्हें
वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनको अछूत माना जाता था। अच्छा, ये जब उत्तर वैदिक काल था ना, उस समय जो है अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था। कब नहीं था? उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो अगर उस समय नहीं था तो अस्पृश्यता का प्रचलन की शुरुआत कब हुई, चलिए बताइए ये कमेंट सेक्शन में कि कब इसकी शुरुआत हुई, छुआछूत की शुरुआत कब हुई बताइएगा जल्दी कमेंट सेक्शन में। पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत किसे माना गया था, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, अछूत किसे माना गया था। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। शवों को दफनाने और जलाने वालों को अछूत माना जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। किस व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया था? छुआछूत की व्यवस्था को, या फिर जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो जन्म के आधार पर चीजों की शुरुआत हुई उसको बहुत सारे लोगों ने स्वीकारा नहीं था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी कि जैसे महिला है या फिर शूद्र है, जो इन्हें यज्ञ करने का या फिर वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो कुछ लोगों का क्या था, मानना था कि यह अधिकार सभी का होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत ही सीमित थी। किस इलाके में पुरोहित का अधिकार बहुत सीमित था? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का जो है प्रभाव बहुत कम था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया था, चलिए बताइए, इसको लिखने की कोशिश करिएगा कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया था। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे है हमारा जनपद। अब ये बताइए जनपद क्या होता है। देखिए जनपद क्या होता है, जन प्लस जन, इस जन का मतलब एक जन प्लस एक जन, और ये क्या होता है जनपद। अब ये ऐसा नहीं सिर्फ दो ही जन मिलते, तो जन प्लस जन प्लस जन ये भी क्या कहलाएगा, जनपद, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इस पॉइंट में। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। किसके राजा माने जाने लगे? जनपदों के। और कौन लोग? जो महायज्ञ करते थे, यानी कि अब जो बहुत बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे ना, जो राजा उनको करते थे, उन्हें जनपदों का राजा बोला जाता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, जहां लोग बसते थे, जहां लोग रहते थे, जो उनके लिए जगह होती थी उसको क्या बोलते थे, जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। अब देखिए ये आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हो सकता है क्वेश्चन, कि जनपद काल की प्रमुख फसल क्या है। तो बताइए जनपद काल की प्रमुख फसल कौन कौन सी है। धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों, गेहूं और चावल, ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये देखिए ये क्या है, मिट्टी का बर्तन। अब ये देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चित्रित धूसर। ये देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्र में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती थी। अब देखिए चित्रित धूसर तो हमें मिला ही, लेकिन उनमें से भी मेनली क्या मिला हमको, थाली और कटोरियां मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब चलिए ये अगर अब देखिए
जो कुछ बर्तन तो आज के टाइम में भी हम लोग स्पेशल रखते हैं, जैसे जब हमारे कोई भी स्पेशल गेस्ट आते हैं या कोई ऐसे मेहमान आते हैं जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, तो हम उन बर्तनों का उपयोग तभी करते हैं जब कोई बहुत खास गेस्ट आता है, होता है कि नहीं? चलिए आप लोग भी बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या आपकी मम्मी भी कुछ ऐसे बर्तन रखती हैं स्पेशली जो सिर्फ तभी यूज करें जब कुछ स्पेशल गेस्ट आए? और चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं, क्या है? इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। ये देखिए, ये बर्तन है और इस पे क्या किया गया है, चित्रकारी की गई है। और ये है आपका चित्रित धूसर। क्या है? चित्रित धूसर। ये किस कलर के होते थे? लाल रंग के होते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के हुए। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होते हैं। ये देखिए, ये आपका है चित्रित धूसर और इसपे क्या बनाई गई, आकृति। ये कुछ रेखाएं हैं या फिर ये कुछ इस तरीके के भी रूप में है और ये एक चित्रित धूसर है। अब चलिए देखते हैं महाजनपद में क्या है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इनमें महाजनपद कहा जाता था। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब चलिए आइए देखते हैं जरा मैप में कि जनपद किस किस एरिया में। ये देखिए क्या है, तक्षशिला। अब आप सभी को, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आपको पता होगा कि तक्षशिला से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ही आ चुका है। ये तक्षशिला जो है किस चीज का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है? और ये आपकी इधर आके देखते हम लोग क्या है, कौशाम्बी। ये क्या है, राजगिरी। ये क्या है, मगध। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। वज्जी, अंग, वैशाली, कोसल, पंचाल, हस्तिनापुर, कुरु, अवंती। अब देखिए ये सारे जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैप के बेस पे अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको एक कम से कम ये तो पता होगा ना कि कौन सा जनपद किस एरिया में था, या आपको एक लोकेशन आपके दिमाग में रहेगी तो आपको चीजें याद करने में आसानी होगी। कि जैसे बहुत बार पेपर में आता है कि, जैसे आपके पेपर में एक बार आया था कि मगध जो है किस नदी के किनारे पर है, या फिर अगर आपसे कोई पूछे वज्जी और मगध को कौन सी नदी इनके सीमा का निर्धारण करती है, ये आप कब बता सकते हो आसानी से, जब आपको मैप बेस से ये पता हो कि ये किस एरिया में है। इससे आपको आराम से आंसर दे सकते हैं आप कि इन दोनों के बीच में कौन सी नदी आती है, या ऑप्शन को ही देख के आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? एक बार प्लीज इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। क्या रखने लगे थे राजा लोग? सेना रखने लगे थे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी तक कोई भी राजा या कोई भी सरदार जो था वो सेना नहीं रखता था, ठीक है? वो बस बातचीत करते थे और सभाओं के जरिए अगर कहीं से आक्रमण होता था तो एक दूसरे की मदद करते थे, और लेकिन परमानेंट सेना नहीं रखा जाता था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। सिपाहियों को वेतन भी दिया जाने लगा था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आहत सिक्कों के बारे में हमें जानकारी आने वाले अगले अध्यायों में मिलेगी।
तो सेना तो रखने ही लगे थे राजा, साथ में उनको नियमित वेतन भी देने लगे थे। अब अगर आपके पीटी में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए नियमित वेतन की शुरुआत कब से हुई, या फिर राजा ने किस समय से सेना रखना शुरू किया था, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है इन दोनों का सही आंसर। कौसाम्बी किले की दीवार, कौसाम्बी किले की दीवार ये क्या है आपके, कौसाम्बी किला है जो उसकी दीवार है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। कितना पुराना है सोच लीजिए आप, 2500 साल पुराना है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब कर क्या है ये, कर चलिए देखते हैं क्या है इसमें। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। क्या किए थे राजा, कर वसूलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उपहार जो होते थे ऐसा नहीं था कि लोग को लाना ही लाना होता था, जिसका जैसे अपना वो था कि वो लेके आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन जब राजा ने क्या किया, उनको जब संसाधनों की आवश्यकता हुई, उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत हुई, तो वो फिर क्या किए, नियमित कर वसूलने लगे। क्या किए, नियमित कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। अच्छा तो चलिए नीचे के पॉइंट में देखते हैं किन किन चीजों पर कर लगाया गया था। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कितना हिस्सा दिया जाता था, 1/6, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, तो जो कारीगर होते थे ये लोग ऐसे पैसे या फिर किसी और रूप में कर ना देके क्या करते थे, राजा के यहाँ वो महीने में एक दिन काम करते थे, और इस तरीके से वो अपना कर अदा करते थे। आगे के पॉइंट्स पे क्या है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक कैसे देते थे, जानवर या उनके उत्पाद के रूप में। अब जैसे मान लीजिए भेड़ है, तो भेड़ क्या दे सकते, भेड़ जो पालता है वो क्या दे सकता है, वो जो भेड़ से बनाई गई जो कपड़े होते हैं वो राजा को दे सकते हैं। ठीक है, आगे के पॉइंट्स पे क्या है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। वो तो हम लोग आज भी पे करते हैं कि कोई भी चीज हम चाहे इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, टैक्स तो हमें देना ही पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक जो थे और संग्राहक, ये जो जंगल में जो चीजें मिलती थी वो उनको राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आखेटक और खाद्य संग्राहक में क्या अंतर है, या ये राजाओं को क्या देते थे, तो आप इसमें क्या बताएंगे, चलिए बताइए दो दो पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में, क्या अंतर है दोनों में और ये क्या देते थे। कृषि में परिवर्तन, चलिए देखते हैं क्या इस पॉइंट में। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के फाल किसके बनने लगे थे, अब लोहे के। देखिए क्या है, ये है हल जो किसका बना हुआ है, ये जो है लोहे का बना हुआ है। ठीक है, और ये इधर देखिए, जो पहले जो हल यूज होते थे वो कैसे यूज होते थे, और ये देखिए ये क्या है, ये लकड़ी का हल है। ठीक है, तो अब आपको आई होप अंतर समझ में आ गया होगा। जो ये पहले इस तरीके के हल यूज होते थे, और अब जो हल यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है, लोहे से यूज हो रहा है। अब चलिए आगे के पॉइंट्स देख, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोहे का हल और जो लकड़ी के हल है दोनों किस तरीके के होते थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान
उपजाए धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब चलिए देखते हैं कि धान का जो रोपण है वो किस तरीके से किया जाता है। ये बच्ची क्या कर रही है, ये धान की रोपाई कर रही है। इसने पहले इस तरीके से पहले इस धान को एक जगह बोया गया, उसके बाद उसको पूरे जड़ से निकाल के इस तरीके से उसको एक एक बीज एक एक पेड़ या दो दो पेड़ को लेकर के उसकी रोपाई की जाती है। ठीक है, देखिए कैसे ये महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। यहाँ पे इकट्ठे धान को बोया गया है और फिर इस तरीके से धान की रोपाई होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। तो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि धान की रोपाई किस तरीके से की जाती है। चलिए अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, खेती का काम किया करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि इनके पास खुद के पास जमीन नहीं थी, तो ये दूसरों की जमीन पे ये सारे काम किया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण किसका करना है, मगध का। अब ये मगध जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आपसे पूछें कि मगध की राजधानी बताइए, मगध साम्राज्य की राजधानी बताइए, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। वैसे मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, राजगृह, जिसको हम गिरी व्रज भी कहते थे। अब चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब मगध जो है महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया, इसके कुछ पॉइंट्स है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ये सारे संसाधन कहां से मिल जाते थे, मगध एरिया से मिल जाते थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। मगध के शक्तिशाली शासक कौन कौन थे, बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये कौन है, महापद्मानंद। ये भी कहां के शासक थे, मगध साम्राज्य के। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, ये जो राजगिरी है उस आधुनिक, ये जो राजगिरी है वर्तमान समय में इसे क्या कहते हैं, राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। पटना जो है, जो वर्तमान में नाम है उसका, प्राचीन काल में क्या नाम था उसका, पाटलिपुत्र। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। कौन पहुंचा था, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर। ये कहां पहुंचा, व्यास नदी के किनारे पर। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इससे हमको एक बेसिक जानकारी किससे मिली, मगध साम्राज्य की। और वो क्यों महत्वपूर्ण केंद्र था, इससे भी, क्योंकि वहां पे संसाधनों की कमी नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से वहां के जो राजा थे उनका सही तरीके से उपयोग कर मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, वज्जी। वज्जी की कैपिटल क्या है, चलिए बताइए वज्जी की कैपिटल क्या है। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। क्या है, वैशाली। मगध और वज्जी के बीच में जो सीमा निर्धारण का काम करती है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी वज्जी और मगध
साम्राज्य के बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीकी वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि गण या संघ शासन व्यवस्था कहाँ पे थी, कहाँ पे इसका प्रचलन था। गण किसे कहते हैं? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता। जो एक कई सदस्यों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? गण। और संघ क्या होता है? संघ अर्थात संगठन या सभा। जो सभाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? हम संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक है, अब जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ जो राजा है जो शासन कर रहा है वो भी राजा कहलाएगा, यहाँ जो शासन कर रहा है वो भी राजा कहलाएगा, और जो यहाँ शासन कर रहा है वो भी क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा। ये सभी राजा भिन्न भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए यह तय करते थे क्या करना है और किस तरीके से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कुम्हार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इन सभाओं में हिस्सा ये लोग नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अब देखिए ये भी पीटी के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो ये दीर्घ निकाय है ये किसका ग्रंथ है, कि ये जो दीर्घ निकाय है ये किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो किसका है? बौद्ध का है। इन्हें करीब 300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी क्या संबंध है इनके बीच में, चलिए देखते हैं। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो अगर ये देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हुआ कि जो है वत्सकार किसके मंत्री थे? अजात शत्रु के थे। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अब कोई भी जगह हो वहां का विकास लड़ाई से तो नहीं होता, कहीं भी हो विकास जो है लड़ाई से तो नहीं होता। किसी भी एरिया का विकास तब संभव जहां वहां के लोग आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे की मदद करें और कोई भी मुसीबत आए तो सब एक दूसरे का सहयोग करें। हमारे देश में मुगलों का यहाँ पर टिकना इतना आसान क्यों हो गया? क्योंकि उनके टाइम पर जो राजा थे वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, वो बस अपना एरिया बचा के रखना चाह रहे थे। अगर उसी समय लोगों ने एक दूसरे की मदद की होती तो हमारे देश में न कभी मुगलों का साम्राज्य बनता और ना ही कभी अंग्रेजों का बनता। ठीक है, तो मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गायों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। चैत्य क्या है? चैत्य बताइए, चैत्य का मतलब क्या होता है? शहरों तथा गायों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने वाले या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अब ये पॉइंट्स क्यों बताए थे बुद्ध ने, कि अगर ये सारी चीजें वज्जी के निवासी कर रहे हैं तो आप उन्हें कभी हरा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़
और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में कर लिया। तो फाइनली किन शासकों ने किया था इस पे विजय प्राप्त? गुप्त शासकों ने किया था। ठीक है, तो आगे का पॉइंट हमारे क्या है देखते हैं इसको भी। अन्यंत्र, इसमें क्या है? यूनान और एथेंस। देखिए इसमें क्या है ना, यूनान और इस एथेंस की कहानी दी है, उनसे रिलेटेड चीजें हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक बार देखना चाहें इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारे आगे के पॉइंट्स में। ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अब देखिए मैं अपने लगभग हर वीडियो में आपको यही बोलूं, इन पॉइंट्स को एक बार याद करने की कोशिश और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। आपको ये पता होना चाहिए अश्वमेध क्या है, वर्ण क्या है, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, पौधारोपण क्या है, गण या संघ क्या होते, प्रजातंत्र क्या होते। देखिए अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे ना, ये छोटे छोटे बहुत बेसिक कीवर्ड्स हैं, कई बार हम इनको इग्नोर करते थे और कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, जैसे जनपद, महाजनपद, वन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुका है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो आपको बाकी सारी चीजें क्या होंगी समझने में बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक बार इनको आप जरूर देखने की कोशिश करिएगा। बाकी ये जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बता चुकी हूँ पहले ही कि आपको जब क्लासिक्स की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में एक पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी बीच में ही दे दूं जिन चैप्टरों को, लेकिन अगर अब बीच में नहीं भी हो सकता तो लास्ट में आपको दिया जाएगा। उससे आप एक बार जरूर मैच करिएगा आपने चैप्टर पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चनों को सही सही हल किया है, और फिर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए चैप्टर वाइज। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।